बिजनौर खबर टीम में आपका स्वागत है। बिजनौर के नजियाबाद रोड पर रिलायंस कंपनी का ट्रेडर शोरूम है। यहां पर कीमती कपड़े और सामानों की बिक्री होती है। आज दोपहर अचानक शोरूम के अंदर आग लग गई। धीरे धीरे आग पूरे शोरूम में फैल गई। पूरा स्टाफ बाहर आ गया। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। रिलायंस के शोरूम में आग की सूचना पर आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए थे। आग लगने की घटना के समय ग्राहक भी शोरूम में मौजूद थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है जिले के हर तहसील व अमरोहा मुरादाबाद से आग बुझाने की गाड़ियां मंगाई गई है। बात करें तो 9 घंटे बाद भी आग पर नहीं पाया काबू। सर, ये जो रिलायंस शोरूम में आग लगी है, लगभग 7 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अब क्या स्थिति है? ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की लगभग 80% आग कंट्रोल कर ली गई है, छूट गई है। केवल पीछे की तरफ जहाँ तक हम जा नहीं पा रहे हैं, रास्ता नहीं है, केवल वो आग बची है और जल्दी वो आग बच जाएगी। लगभग कितने समय में सर आग पर काबू पा लिया जाएगा? मैक्सिमम 1 घंटे में आग पूर्ण रूप से बुझा दी। अगर सर नुकसान का अनुमान लगाया जाए तो क्या नुकसान क्या हुआ? नुकसान के बारे में अभी ये जांच का विषय है। जी, मालिक सर, कोई जान की हानि तो नहीं हुई? कोई जान नहीं है, कोई जान। थैंक यू।